अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के तरफ। तो अब भैया इसको भी लिखते हैं, क्या है, आई इज इक्वल टू में रूट में इंटीग्रेशन साइन 2x। ठीक है सर। साइन 2x और कॉस 2x इंटू में dx। t किसको मानने में फायदा है सर, तो t मानने में फायदा है किसको, साइन 2x को। ठीक है सर, रूट के अंदर वाले टर्म को, यानी dt बाई डीएक्स इक्वल टू में साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस 2x इंटू में क्या हो जाएगा 2। ठीक है सर, 2 हमें नहीं चाहिए, इधर भेज दीजिए, dx उधर भेज दीजिए, तो dt बाई क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू में कॉस 2x इंटू में dx। तो जरा देखिएगा ध्यान से, इसके जगह में ये चीज मैं नहीं लिख सकता हूँ, ये दोनों क्या है, सेम है, तो बस लिख दीजिए ये क्या था, आई का आई। ठीक है सर, इंटीग्रेशन रूट, इस पूरे को मैंने माना टी। ठीक है सर, और इसके जगह में क्या लिख सकता हूँ, इसके जगह में डी टी बाई टू, तो बाई टू कॉन्स्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर। ठीक है सर, आई इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन टी, रूट का मतलब क्या होता है 1/2 होता है। चलो सर इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, कहाँ लिखाता हूँ, तो आई इज इक्वल टू में 1/2 इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक पावर ऐड हो जाता है, तो डी टी एक पावर ऐड करके 3/2, और वही पावर कहाँ आ जाएगा, नीचे प्लस में सी, यानी आई इज इक्वल टू में 1/2 उल्टा हो जाएगा, 2 ऊपर 3 नीचे रेसिप्रोकल करके, और टी की वैल्यू डाल दूंगा क्या था, साइन 2x, साइन 2x की पावर क्या हो जाएगा हमारा 3/2 प्लस में सी, 2 से 2 का हैप्पी बर्थडे, आई इज इक्वल में क्या हो जाएगा 1/3 साइन 2x की पावर 3/2 प्लस में सी। ये क्या चुका है हमारा, आंसर आ चुका है, तो प्लीज क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर पाए, प्लीज।